आज इस वीडियो में बस मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि निपुण सर प्लीज बताइए कि सीए को पास कैसे किया, क्या आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स रही, क्या आपके मेथडोलॉजी रही। तो बस आज इस वीडियो में आप लोग से यही शेयर करने वाला हूं जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स मैंने मेरे लाइफ में फॉलो करी और जिसकी वजह से मैं सीए बन पाया, बस वो आपके सामने शेयर करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको शेयर करना और सारे जो भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। क्या मालूम ये जो आज मैं आपके सामने 7 पॉइंट्स रखने वाला हूं जो मैंने मेरे लाइफ में फॉलो करे, उसको फॉलो करने से शायद कोई स्टूडेंट पास हो जाए और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर जाए। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज पैशन। बस पागल हो जाओ, आपको पैशन ऐसा होता है, मैंने पहले भी एक वीडियोस में मेरे शेयर किया हुआ है पीएचडी फॉर सक्सेस, वो नहीं देखा हो तो जरूर उसको देख लेना। बट मैं उसमें आपको बता दूं, सबसे पहला पैशन मतलब पागलपन, मतलब उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिखना चाहिए। अगर आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, दैट शुड बी योर ओनली गोल। आपके लिए बाकी सारा संसार कट ऑफ हो जाएगा ये लास्ट 2-3 महीनों में, बस पूरा फोकस। पागल हो जाओ, पागलपन ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, मेरी पढ़ाई करते वक्त जब मैं पढ़ता था तो मैं रात को सोते वक्त भी सपने में भी मुझे मेरे अकाउंट्स के सम सॉल्व करता था। इस हद तक, इस गहराई से मैं मेरी पढ़ाई करता था। वही अगर आप में आ जाएगी 100% आपके एग्जाम्स को क्लियर कर दोगे। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल, टाइम टेबल बनाना अपना शुरू कर दीजिए। मिनिमम मैं मेरी पढ़ाई में, मुझे अच्छे से याद है, मेरा फोकस गोल होता था कि जब तक मैं 10 घंटे इफेक्टिव स्टडीज नहीं कर लूं, 10 आवर्स इफेक्टिव, इफेक्टिव मीनिंग्स कैसा नहीं कि एक घंटे में मैं 15 मिनट टाइम पास करता हूं और 45 मिनट्स ही मेरी पढ़ाई होती है, तो वो 45 मिनट्स ही आपकी इफेक्टिव स्टडीज है। तो वो इफेक्टिव ऐसे 45 मिनट्स कर करके मेरे 10 आवर्स जब तक मेरे एक दिन में नहीं होते थे तब तक मैं सोता नहीं था। ये डेडिकेशन आपको लाना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बनाइए कि आपके पास जितने महीने 90 डेज 100 डेज जितने बाकी हैं वो बैक करते हुए, पहले से देखते हुए, और उस अकॉर्डिंग अपने पूरे सब्जेक्ट्स को अरेंज करिए, आपके कोर्स को अरेंज करिए और इन 10 आवर्स में एवरी डे करते हुए उस अपने पोर्शन को पूरा करिए। थर्ड पॉइंट जो मैं आपके लिए कह रहा हूं, थर्ड पॉइंट है कि मिनिमम आपके 2 रिविजन सेल्फ स्टडी के हो जाने चाहिए। क्लासेस में पढ़ाया वो तो एक बात हो गई, उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम खुद अच्छे से उसको पूरे जो भी आपका कोर्स है उसको जमाया दिमाग में, और उसके बाद एग्जामिनेशन के पहले आपका एक और मतलब दूसरा आपका रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बस मैं एग्जाम को क्लियर कर ही दूंगा। फोर्थ पॉइंट आपका जो सामने आ रहा हूं, बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। ये स्टीफन आर कोवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये एक पॉइंट आता है जहां वो कहता है एक हैबिट में, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, मतलब लास्ट डे पे आपको मालूम है हमारे एग्जामिनेशन सीए के ऐसे होते हैं कि जहां लास्ट दिन हमारा तो समुंदर जैसा कोर्स है और हम पूरा पढ़ नहीं सकते हैं लास्ट दिन, तो आप लास्ट दिन में बहुत सिलेक्टिव चीजें ही पढ़ सकते हो। तो इसलिए जब मेरे को एंड दिमाग में है तो जब मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं मेरी पेंसिल से मेरी बुक्स में आपको मार्किंग करनी शुरू कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में आपके 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे, अब वो 10 में से सिलेक्ट कर लीजिए ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जिसमें सारे जो प्रिंसिपल्स है कवर हो जा रहे हैं, बस मैं ये सब देखूंगा और लास्ट डे पे केवल बस वो ही मैं देख के जाऊंगा एग्जामिनेशन के लिए, ताकि पूरा रिविजन हो जाए। तो आपको आपकी पढ़ाई को एंड को दिमाग में रखते हुए पढ़ना है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी दिन आप क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा, बस उसी के उसे दिन आते ही 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर जो भी आपको लगता है, तुरंत आके उस चैप्टर को हाथों हाथ वो टाइम ही उसको याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज इन काम, रिवाइज इन काम एंड रिवाइज इन काम, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो रिविजन करना, उसी दिन आपको याद करना, जिससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बैठ जाता है, फिर उसमें कोई डाउट्स रह जाते हैं तुरंत उसको उसी के दिन सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, हम उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ये मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है, जब मैं भी पढ़ाई करता था कहीं बार जो कॉन्सेप्ट्स रह जाते थे ना वो फिर रह ही जाते थे, वो एंड में मुझे छोड़ना ही पड़ा उस टॉपिक को। तो ऐसा आपके साथ भी ना हो, बस जिस दिन पढ़ रहे हो उसी दिन रिविजन करिए, रिविजन में डाउट्स लगे नेक्स्ट दिन उसको सॉल्व कर लीजिए। 6th पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एंड आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमारी टीचर्स के लिए, हमारे कोचेस के लिए, हमारे मेंटर्स के लिए, हमारे मां बाप के लिए,
जिनकी वजह से मैं पढ़ने के लिए एक्चुअल में तैयार हो पाया हूं, मैं एक्चुअल में कुछ पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं और बहुत सारे मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं, कई बार ऐसा होता था कि वो लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने टीचर्स के बारे में कुछ और गलत गलत बोलने लग जाते हैं, बट हमें बहुत ही ग्रैटिट्यूड वाला हमारा जो नेचर होना चाहिए वो डेवलप करना है। एवरीडे एक प्रैक्टिस बनाइए, थैंक यू बोलिए अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, जिनकी वजह से आपको इतना सीखने को मिल रहा है, और प्लस उन पे पूरा फेथ रखिए, उन पे पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए कि आप लोग डेफिनेटली पास होंगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, 7th पॉइंट, दैट इज द कोर पॉइंट, डिसिप्लिन, दैट्स इट। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये अपने लाइफ का एक मंत्र बना लो, जितना नियमित तरीके से पढ़ाई करोगे, भले ही रोज थोड़ा थोड़ा टाइम भी पढ़ोगे, फिर अगर ये थोड़ा थोड़ा टाइम भी आप रेगुलरली पढ़ोगे, 100% रिजल्ट आएगा ही अच्छा, एक आपकी आदत बन जाएगी। और 7 पॉइंट्स के ऊपर जो एकदम मास्टर पॉइंट है, जो एकदम कोर पॉइंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप हार्डवर्क कर लो, हार्डवर्क करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए वो है आपका नसीब, आपका लक, है ना। और वो लक को डेवलप करने के लिए भगवान का भरोसा, भगवान पर भरोसा रखना बिल्कुल आवश्यक है। इसलिए कुछ ना कुछ धर्म का काम, कुछ ना कुछ पुण्य का काम, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, दान का काम, ऐसा कोई भी काम करिए, गुड डीड्स का काम करिए, जहां आपको अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी दुआएं लोगों से मिलेगी, और वो अच्छी दुआएं आपको हेल्प करेगी, वो आपके लिए एक आशीर्वाद का काम करेगी। और ये आशीर्वाद, ये मैं बिलीव करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद नहीं भी बिलीव करते होंगे, बट मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद, इसको आप कृपा कह दो, भगवान बोल दो, श्रद्धा कह दो, ट्रस्ट कह दो, जो आपको कहना है कहिए, बट ये आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत नेसेसरी होगी, क्योंकि हार्डवर्क के बाद लक का थोड़ा फैक्टर हमें साथ में रखना पड़ता है, और वो लक आपका डेवलप करने के लिए ये दुआएं काम करेगी। तो इन पॉइंट्स को अगर आप करेंगे, जो मैंने फॉलो करे मेरे लाइफ में, और इसकी वजह से मैं सीए पास हो पाया, ये मुझे विश्वास है मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेटर्निटी में आएंगे, सीए फ्रेटर्निटी में आएंगे, हम सीएमए भी बनेंगे, हम प्रोफेशनल्स भी बनेंगे, ये सारे आप जरूर करेंगे। डेफिनेटली इन पॉइंट्स को फॉलो करिए, बाकी चॉइस इज योर्स, निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। धन्यवाद।